आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले के वन परिक्षेत्र अंतर्गत बाघ ने ग्रामीण महिला पर हमला कर दिया, जहां घायल महिला के परिजनों सहित वन विभाग टीम की मौजूदगी में गंभीर अवस्था में ग्रामीण महिला को जिला अस्पताल लाया गया एवं प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल में घायल महिला के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के लिए पहुंचे वन विकास निगम विभाग के संभागीय प्रबंधक अमित पाटोरी ने बताया कि ग्राम चिरवा निवासी सुनीता बाई नामक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जहां घायल महिला को वन विभाग की टीम एवं परिजनों की मौजूदगी में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए चिकित्सक ने रेफर कर दिया है और उनके बेहतर उपचार की जवाबदेही हमारे विभाग की है, साथ ही सहायता राशि उन्हें प्रदान की गई है। वहीं घायल महिला के परिजनों ने बताया कि बाघ के हमले में ग्राम चिरवा निवासी सुनीता बाई गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें उमरिया जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिले में वन परिक्षेत्र अंतर्गत बाघ के द्वारा लोगों पर हमला किए जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है एवं इसके पूर्व में भी अनेकों घटनाएं सामने आई है। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। राजभन सिंह ग्राम चिरवा का, मेरी माँ के नाम सुनीता बाई, ये कल सर गाय में गए थे, गाय सो लौटते समय इसे शेर ने हमला कर दिया 5:30 बजे लगभग। तो अब जंगल डिपार्ट के अब मैं सब अधिकारी आए, सब लोग जबलपुर रिफर कर लिए, तो सब ने सहायता राशि देने के लिए। हाँ सर, मेरा नरेश सिंह नाम है, क्योंकि हमारे मानपुर जंगल लाग गए और हमला हो गया करके, तो एम्बुलेंस के द्वारा भर्ती कराया गया था, क्योंकि उपचार हुआ जबलपुर रिफर करने के लिए जंगल विभाग से डिप्टी डी एम आए थे जो उनके सहायता राशि। मेरा नाम हरी सिंह मुरारी, में क्षेत्रीय जनपद सदस्य, जिस क्षेत्र से महिला के कल टाइगर ने हमला किया है। अपन कल मौके पे पहुंचे, पूरे गांव को जितने भी गांव के अब ग्रामवासी रहे और अपने फोन किए, वो पूरे वो अपनी टीम आई, वो पूरे फॉरेस्ट विभाग के अपने रेगुलर वाले आए, पार्क वाले, जबकि वो अपने जहां पे वो हमले हुए थे वहां पे मतलब टाइम से नहीं पहुंचे। एम्बुलेंस भी अपन वो फोन लगाए 10-15 मिनट लेट थी, लेकिन अपने जो फॉरेस्ट के डिप्टी साहब है उन्होंने अपनी गाड़ी में लेकर मतलब जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हम अभी मतलब उपचार के अभी देखने आए, जबकि अभी उनको जबलपुर रिफर होना है हॉस्पिटल में। उनसे मिलने के लिए हमारे फॉरेस्ट के डीएम साहब भी आए थे, उन्हें पूरी मदद देने के लिए उन्होंने। हमारी एक बीट है चिरवा, वहाँ पर एक सुनीता बाई महिला थी, वो मवेशी चराने के लिए जंगल के अंदर गई हुई थी, उस समय बाघ ने हमला उनके ऊपर कर दिया, जिसमें उनके पैर पे मतलब दांत गाड़ने के निशान के कारण उनका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, इस कारण उनको चोट आई। उनको तत्काल यहाँ पे हमारा स्टाफ और बाहर के स्टाफ के सहायता से उनको यहाँ पे उमरिया में रेफर करवाया और यहाँ पर उनका उपचार, प्राथमिक उपचार जो है यहाँ पे किया गया। अभी आज मैं उनसे यहाँ पे भेंट करने आया था और तत्कालीन जो सहायता थी 1000 रुपये राशि उनको प्रदान की गई है और इसके अलावा जो भी हर संभव मदद करने के लिए उनको मतलब बताया गया है। और अभी आज मालूम पड़ा है कि उमरिया से उनको रेफर किया है और उपचार करने के लिए जबलपुर में, तो हमारा स्टाफ भी साथ में जाएगा और पूरी व्यवस्था उनकी वो देख रेख करेगा।